ECAT Mathematics F.Sc Part 2 Chapter Number 6 जो के है जी Conic Section और इसमें आज हम जिस टॉपिक को डिस्कवर करेंगे वो है Identification of a Conic from the General Equation और अब जो हमारे पास General Equation से related जो MCQs हैं वो हम one by one solve करेंगे और उसकी मदद से देखेंगे कि ये given Conic है वो कौन से मतलब type का है फर्स्ट एमसीक्यू है जी इसमें इस तरह से है कि अगर हमारे पास एक डिटरमिनेंट हो जो कि कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट है जिसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है h जो है वो xy का कोफिशिएंट है ठीक है इसी तरीके से b जो है वो y स्क्वायर का कोफिशिएंट है फिर g जो है वो x का कोफिशिएंट है f जो है वो y का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट है तो ये अगर इस तरतीब में ये एक डिटरमिनेंट बनाया जाए कि a h g फर्स्ट रो में और ए एच जी सेकंड रो में और सेकंड सॉरी यहां पर मतलब फर्स्ट रो में और ये फर्स्ट कॉलम में जबकि सेकंड कॉलम में एच बी एफ और थर्ड कॉलम में जी एफ और सी आ रहा हूं ठीक है तो इस तरतीब में अगर हम एक डिटरमिनेंट ओपन करें और इसका आंसर 0 आ जाए तो फिर ये जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री इक्वेशन है ये किस कॉनिक को रिप्रेजेंट करेगी यहां पर याद रहे कि ये pair of straight lines को जो है वो represent करेगी अब इससे related जो हमारे पास question है कि जो हम ये determinant open करेंगे वो मैं next MCQs में आपसे one by one discuss करूँगा और फिर हम type of conic को जो है वो समझेंगे यानी यहाँ पे ये बात याद रहे कि अगर हमारे पास h square minus ab अगर ये हम value ले लें और ये हमारे पास less than 0 आ जाए ठीक है और a और b आपस में इक्वल भी हो तो फिर ये कॉनिक जो होता है ये सर्कल होता है ठीक है याद रहे यहां पर ये सर्कल होता है इसी तरीके से इससे नेक्स्ट जो है एलिप्स के केस में ये जो हमारे पास h स्क्वायर माइनस ab है ये लेस ही आएगा लेकिन इसमें a जो होगा वो b से मतलब इक्वल नहीं होगा b से मुख्तलिफ होगा ठीक है तो फिर हम कहेंगे कि ये सर्कल नहीं है बल्कि क्या है एलिप्स है ठीक है तो यहां पर हम इसे भी लिख लेते हैं फिर इसके बाद जो इसे नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास जो है वो h स्क्वायर माइनस ab ये डिफरेंस एग्जैक्ट 0 आ जाए ठीक है तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास कॉनिक है वो पैराबोला है ठीक है पैराबोला ठीक है जी और इसी तरीके से लास्ट में अगर h स्क्वायर माइनस ab जो है वो पॉजिटिव आ जाए यानी greater than 0 आ जाए ठीक है तो हम कहेंगे कि जो कॉनिक है वो हाइपरबोला है हाइपरबोला है तो अब इन बातों को आपने ज़हन में रखना है और नेक्स्ट हम जो क्वेश्चंस करेंगे हम इस बात को बेस बनाते हुए टाइप ऑफ कॉनिक जो है वो समझ जाएंगे कि कौन सी टाइप है नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं जी इसमें हमारे पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 16xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x plus 3y minus 5 equal to 0 अब ये जो equation है किसे represent करी क्या circle को, parabola को, hyperbola को या ellipse को हमने इस बात का अब जवाब देना है ठीक है जी तो सबसे पहले हम जो general equation हमारे पास second degree उसको मैं यहाँ पर paste कर लेता हूँ ठीक है हम यहाँ पर compare करेंगे coefficients चूंकि जो conic की type है वो हमें पता चलती है h square h h की वैल्यू से और a की वैल्यू से और b की वैल्यू से ठीक है अब हम देख रहे हैं कि यहां पर जो h है यानी यहां पर ये देखें x y का जो कोफिशिएंट है वो 16 है जबकि यहां पर 2h है तो 2h equal to 16 होगा तो h equal to 8 आ जाएगा ठीक है इसी तरह जो a है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट और वो हमारे पास 2 है और b जो है वो y स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि 4 है तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं अब हम ऐसा करते हैं कि h स्क्वायर माइनस ab का डिफरेंस चेक करते हैं कि क्या आता है ठीक है h स्क्वायर है 64 माइनस a है 2 और b है 4 ठीक है यानी 64 में से 8 माइनस कर रहे हैं हम तो आंसर हमारा आएगा 56 ठीक है जो कि पॉजिटिव है ग्रेटर देन हम कहेंगे कि 0 से क्या है greater है अब ये value हमारे पास greater than 0 आ गई है
इसका मतलब कि हमारे पास जो ये कॉनिक है ये हाइपरबोला है, और हम ऑप्शन नंबर सी जो है इसको मार्क कर देंगे, क्योंकि हमने देखा था कि जब एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो होता है तो उस केस में ये हाइपरबोला बनता है। और अगर आप यहाँ से भी देखें तो हम इसे मतलब हाइपरबोला की इक्वेशन की शेप में जो है वो तब्दील कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि 2x² + 4y² + 6x + 7y + 10 = 0। ये एक हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसे, यानी इनमें से किसी एक कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रही है, या हो सकता है सर्कल को, या हो सकता है पैराबोला को, या हो सकता है हाइपरबोला को, या फिर हो सकता है कि ये इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही हो। ठीक है, तो इस बात का जवाब देने के लिए हम जनरल इक्वेशन जो हमारे पास सेकंड डिग्री है इसको इससे कंपेयर करेंगे, गिवन इक्वेशन से, और कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो ए है, जो कि इस केस में हमारे पास कितना है, 2 है, तो ए कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है, इसलिए हम एच जो है वो 0 लिखेंगे। ठीक है जी, और इसके बाद वाई स्क्वायर जो है इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 4 है, तो बी की जगह आ जाएगा 4। ठीक है जी, अब हम एच स्क्वायर माइनस ए बी से मतलब इस जो डिफरेंस है उससे बता सकते हैं कि ये जो गिवन कॉनिक है ये आखिर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, ठीक है, और ए की जगह हम लिखेंगे 2 और बी की जगह 4, तो 0 में से 8 का डिफरेंस -8 आ गया, नेगेटिव आ गया, जो कि 0 से लेस है। इसका मतलब कि अगर हमारे पास जो ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये अगर लेस देन 0 होगी तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास इलिप्स है, और इसमें देखें ए और बी बराबर भी नहीं है, यानी अगर ए और बी बराबर होते हैं तो हम कहते हैं ये सर्कल है, लेकिन ए बी से डिफरेंट है इसलिए हम कहेंगे कि ये इलिप्स है, और ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हम इसे मार्क कर देंगे। अब इन इक्वेशन को कैसे हम मतलब इस फॉर्म में लेके आए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स, ये ऑलरेडी हम इस पर बात कर चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ टाइप बतानी है कॉनिक की, जो कि हम इस फार्मूला से जो कि एच स्क्वायर माइनस ए बी है उससे बड़ी जल्दी जो है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि 2x² - xy + 5x - 2y + 2 = 0। अगर इस टाइप की एक हमारे पास सेकेंड डिग्री इक्वेशन हो तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, क्या सर्कल को, पैराबोला को, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को, या इलिप्स को। अब हमने इस बात का जवाब देना है, तो देखें इसमें अगर हम जनरल इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करें तो हमारे पास ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है, इसमें ये तमाम कोफिशिएंट्स जो है वो हम लिख सकते हैं, जैसे ए जो है इसमें हमारे पास वो 2 है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए जो है हमारे पास वो 2 आ रहा है। अब बी जो है चूँकि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 है इस केस में, ठीक है, और अगर हम देखें तो एक्स वाई का कोफिशिएंट यानी 2h जो है वो -1 के इक्वल है, इसका मतलब h जो है वो -1/2 के इक्वल है, -1/2 के इक्वल आ गया। ठीक है, इसी तरीके से x का कोफिशिएंट जो है 2g यहाँ 5 के इक्वल है, तो g इसका मतलब इक्वल हो जाएगा 5/2 के, ठीक है, और इसमें जो f है वो y का कोफिशिएंट है जो कि -2, इसका मतलब 2f = -2 होगा, तो f = -1 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जो हमारे पास c कांस्टेंट है वो इस केस में +2 है। तो ये हमने तमाम कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लिए। ठीक है, अब हम एक डिटरमिनेंट बनाएंगे, जो कि मैंने इससे शुरू में आपको बताया था कि जिसकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास इन तमाम जो हमारे पास ये कॉनिक्स है उनमें से कौन सी कॉनिक को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे डिटरमिनेंट जो है वो ओपन करते हैं, हम पहले जो इसमें कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उनको लिखेंगे, जैसे ए, एच और जी, ये हम फर्स्ट कॉलम में भी लिखेंगे और फर्स्ट रो में भी लिखेंगे। ठीक है, इनकी तरतीब नहीं बदलनी चाहिए। अब बी, एफ और एफ सी ये हम लिख देंगे इस तरह से, और इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पर इसकी एंट्रीज को अब लिख लेते हैं जो कि इधर आनी है, जैसे ए जो है वो 2 है, एच जो है वो -1/2 है, जी जो है वो 5/2 है। ठीक है,
इस तरह h जो है माइनस वन बाई टू है और ये फाइव बाई टू है, इसी तरह से b जो है वो ज़ीरो, f जो है वो माइनस वन है और इधर भी f जो है वो माइनस वन है और c जो है वो टू है। तो ये तमाम वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लिख दी हैं, ठीक है जी। अब हम इस तरह से करेंगे कि इस डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो से, जिस रो जिस कॉलम में जो एंट्री होती है उसको हम छोड़ देते हैं, यानी टू को अगर मैं लिखूंगा तो बाकी एंट्रीज हम छोड़ देंगे इस रो और कॉलम की, ज़ीरो माइनस वन और टू, इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे। सेकेंड एंट्री का साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव साइन आएगा वन बाय टू, जिस रो जिस कॉलम में एंट्रीज को छोड़ देंगे, माइनस वन बाय टू, माइनस वन, फाइव बाय टू और टू, ये हम लिखेंगे। इसी तरह से लास्ट में फाइव बाय टू आ रहा है इसको लिखेंगे, ठीक है, और जिस रो जिस कॉलम में एंट्री उसको छोड़ दिया जाएगा तो माइनस वन बाय टू, ज़ीरो, फाइव बाय टू और माइनस वन, ये आएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट। अब हम इसे एक्सपेंड करते हैं, देखें हमारे पास टू यहाँ ज़ीरो टू से मल्टीप्लाई होकर पहले प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई होता है, ज़ीरो आएगा, माइनस माइनस वन से मल्टीप्लाई होकर प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह प्लस वन बाय टू, यहाँ पे टू वन बाय टू से मल्टीप्लाई होगा जो कि मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्सिस है, माइनस वन बाय टू है चूँकि इसे माइनस वन आंसर आएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे लेकिन ये माइनस इस साइन को पॉजिटिव का बना देगा और फाइव बाय टू वन से मल्टीप्लाई होकर फाइव बाय टू आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे प्लस फाइव बाय टू टाइम्स ये माइनस वन, माइनस वन बाय टू से मल्टीप्लाई होकर वन बाय टू और फाइव बाय टू जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो गया, तो वन बाय टू में से जीरो सब्ट्रैक्ट करें वन बाय टू ही आता है, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसे आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या जवाब आता है। देखें टू जो है वो माइनस वन से जब मल्टीप्लाई होगा माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ एलसीएम अगर लिया जाए तो ये टू बाय टू लिखा हुआ है, माइनस टू बाय टू जो कि थ्री बाय टू बनता है, और थ्री बाय टू जो है पॉजिटिव का थ्री बाय टू, ये जब वन बाय टू से मल्टीप्लाई होगा तो थ्री बाय फोर आ जाएगा चूँकि डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और प्लस यहाँ पे अगर आप देखें तो फाइव बाय फोर आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम तमाम जो टर्म्स उनके डिनोमिनेटर फोर बना दें, जैसे यहाँ तो फोर ऑलरेडी, यहाँ फोर बनाने के लिए फोर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एट ओवर फोर, ठीक है, जबकि ये दोनों टर्म्स ऐड होके थ्री और फाइव एट बाय फोर आ रही है। देखिए दोनों लाइक टर्म्स अपोजिट साइन के साथ हैं, साइन ये नंबर कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो देखें इस केस में चूंकि डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया है, हम ये कहेंगे कि जो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन गिवन है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस को, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे वो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा और हम इसे मार्क कर देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है जो कि रिलेटेड है एंगल्स बिटवीन लाइंस, चूँकि बात का हमें टेंजेंट्स की बात हो जाती है या हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल जाती हैं, तो फिर हम उनके दरमियान जो एंगल है वो कैसे बता सकते हैं। क्वेश्चन ये कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच टाइम एक्स वाई है प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी टाइम एक्स है प्लस टू एफ टाइम वाई और प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है इन ऑप्शन में से, ठीक है। अगर हम इन इक्वेंस की बात करें तो हमने जो फार्मूला ड्राइव किया था ऑलरेडी, हमने जो रिलेशन बनाया था वो ये था कि अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन हो, ठीक है, मतलब सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन हो, तो उस केस में जो हमने टेंजेंट थीटा इक्वल टू एक फार्मूला यूज़ किया था जो कि होता है स्लोप्स का डिफरेंस, लाइंस की स्लोप्स का डिफरेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय वन प्लस प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स, ठीक है। तो इस लिहाज से फिर हमने जो रिलेशन डिराइव किया था वो ये था कि टेंजेंट थीटा जो है वो इक्वल टू होता है टू टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, और ये जो सम आएगा जो भी आंसर आएगा प्रोडक्ट टू से मल्टीप्लाई होने के बाद इसको हम डिवाइड कर देंगे ए प्लस बी के साथ, ठीक है। यानी इसमें जो होमोजीनियस इक्वेशन है वो मैं लिख देता हूँ, उसमें ए एक्स स्क्वायर आ रहा था, ठीक है, प्लस टू टाइम्स एच एक्स वाई है और प्लस बी टाइम वाई स्क्वायर है इक्वल टू ज़ीरो, तो उस केस में हमने ये ड्राइव किया था। तो यही जो रिलेशन है हम इसके लिए भी यूज़ करेंगे, क्योंकि जब ये इक्वेशन जो है वो पेयर्स ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी तो इसमें ये कोफिशिएंट्स जो हैं
जैसे 2gx हो गया, 2fy हो गया, यानी fg और c ये जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन तब्दील हो जाएगी इस इक्वेशन में, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन में, और इसकी मदद से फिर हम जो है वो एंगल जो बिटवीन द लाइंस बन रहा है वो बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हो, और जो कि ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है, इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन ए जो है हमारा वो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है।